नमस्कार जैन दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या कोई कभी 70 साल तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता है, तो आपका जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गुजरात के एक ऐसे योगी बाबा के बारे में बताने वाला हूं जो कि 70 साल तक बिना कुछ खाए पिए रह गए और पूरे दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बने गुजरात के योगी प्रहलाद जानी अब हमारे बीच नहीं रहे। वो एक ऐसी शख्सियत थे जिनसे वैज्ञानिक भी हैरान थे। 7 दशकों तक वह बिना खाए पिए जिंदा रहे, वैज्ञानिकों के लिए एक हैरतगंजे सवाल बना हुआ है। इतना ही नहीं, इस दौरान प्रहलाद जानी ने मूत्र त्याग भी नहीं किया। ये किसी के लिए भी अजूबा हो सकता है। BBC और अल जजीरा समेत तमाम विदेशी मीडिया ने उनकी खबर जब दुनिया के कोने कोने पहुँचाई तो हर कोई उनकी इस अनूठी काबिलियत को जानकर हैरान था। डॉक्टर एंटन लुंगर, मेटाबॉलिक एक्सपर्ट ने उनके बारे में बात करते हुए एक निजी चैनल से कहा था कि ये उनकी कल्पना से भी परे है। इसी तरह डॉक्टर वुल्फगैंग मार्केल, जो एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं, ने भी उनकी इस अनोखी काबिलियत से हैरान है। उन्होंने भी एक निजी चैनल से बातचीत में बताया कि इतने वर्षों तक बिना खाना खाए, पानी पिए और बिना ऊर्जा के जिंदा रहना असंभव है। उनके बारे में बात कहा जाता है कि अध्यात्म की तरफ जब बाबा जाने मुड़े थे, तभी उनकी जुबान पर 3 कन्याओं ने अंगुली रखी थी। इसके बाद उनकी भूख और प्यास दोनों ही खत्म हो गई। प्रहलाद जानी केवल भारतीय वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए एक चर्चा का विषय थे। उन्हें लोग चुनरी वाली माता के नाम से पुकारते थे। 88 वर्ष की आयु में अंतिम सांस लेने वाले जानी अंत तक पहली बने रहे। प्रहलाद जानी के आश्रम में राजनीति हस्तियां से लेकर तमाम सेलिब्रिटी तक का आना जाना लगा रहा। उनकी लोकप्रियता का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि PM मोदी भी उनके आश्रम में जा चुके हैं। प्रहलाद जानी ने जिन वैज्ञानिकों को हैरान में डाला था, उनमें देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम भी शामिल थे। वह प्रहलाद जानी की अनूठी जीवन शैली का रहस्य जानने के लिए उत्सुक थे। इस रहस्य पर पर्दा उठाने के लिए जानी के कई मेडिकल टेस्ट भी हुए। रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली देश की जानी मानी संस्था DRDO के वैज्ञानिकों की टीम ने CCTV कैमरे की नज़र में 15 दिनों तक 24 घंटे उन पर नज़र रखी थी। यहां तक कि उनके आश्रम के पेड़ पौधे का भी टेस्ट किया गया था। इन सब के बावजूद उनका जीवन एक रहस्य बना रहा। इतने वर्षों तक उनके बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहने के दावे का बार बार चिकित्सीय और वैज्ञानिक परीक्षण किया गया, लेकिन कोई इस फैली को सुलझा नहीं सका। प्रख्यात न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर शाह ने उनकी 2 बार बेहद जटिल जांच की थी। इस दौरान उन्होंने पाया कि न तो उन्होंने कुछ खाया और न ही पिया और न ही मूत्र त्याग किया और न ही सोच गए। उनका कहना था कि इतने वर्षों में उनका शारीरिक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। इस जांच के दौरान जो रिपोर्ट सामने आई उसने सभी को चकित कर दिया। इस दौरान उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 10 से 12 के बीच बनी रही। आपको बता देंगे कि हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करने का प्रमुख स्रोत होता है। बाबा जानी में इसका स्तर एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही था। देश के रक्षा और विकास अनुसंधान की माने तो बाबा जानी पर की गई रिसर्च में वे किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सके थे। जानी का दावा था कि वह एक ऐसी असाध्य बीमारियों का भी इलाज कर सकते हैं जिसका डॉक्टरों के पास इलाज ही नहीं है। उनका दावा था कि एड्स, HIV जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज सिर्फ एक फल से किया जा सकता है। इसके अलावा निसंतान व्यक्तियों का भी इलाज करने का वे दावा करते थे। उन्हें जानने वाले उनके इन दावों पर खरे उतरने की पुष्टि भी करते हैं। प्रहलाद जानी का जन्म 13 अगस्त 1929 को हुआ था। उनके 5 भाई और 1 बहन थी। महज 10 वर्ष की आयु में ही उन्होंने आध्यात्मिक जीवन के लिए अपना घर छोड़ दिया था। उन्होंने माउंट आबू समेत महाबलेश्वर में तपस्या की। 1 साल तक वह माता अम्बे की भक्ति में डूबे रहे, जिसके बाद वह साड़ी, सिंदूर और नाक में नथ पहनने लगे। वो पूरी तरह से महिलाओं की तरह श्रृंगार करते थे। पिछले 50 वर्षों से जानी गुजरात के अहमदाबाद से 180 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर अंबाजी मंदिर के शेष नाके आकार वाली गुफा के पास रहते थे। दोस्तों, एक ऐसे बाबा के बारे में अगर आप जानते हैं, पहली बार जान रहे होंगे, और एक अचंभव करने वाली, तो दोस्तों मुझे क्या आप सभी लोगों के लिए एक अचंभव की खबर होगी। दोस्तों, अगर ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।